सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गौरव उमरियाल है, मैं कक्षा 11 बी में पढ़ता हूँ। मेरे मार्गदर्शक शिक्षक का नाम डॉक्टर हर्षमणि पांडे है, प्रवक्ता गणित। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज हिसरेखाल, ब्लॉक देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल, राज्य उत्तराखंड है। बच्चों के लिए 47वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2020 में मैं अपना मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा मुख्य विषय है सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उपविषय है शैक्षिक खेल एवं गणितीय प्रतिरूपण, जिसमें मेरे प्रदर्शन का शीर्षक है विभिन्न गणितीय संज्ञाओं का प्रदर्शन। मैं अपने मॉडल की मदद से गणित की विभिन्न संज्ञाओं का प्रदर्शन करूंगा। इससे पहले मैंने ढालमापी यानी क्लाइनोमीटर का निर्माण कर रखा है। इसकी मदद से हम ऊंचे पहाड़, ऊंची पेड़ों आदि की ऊंचाई का पता कर सकते हैं। इसमें हम क्लाइनोमीटर की मदद से उन्नयन कोण देखेंगे इसकी टॉप देखने के लिए और इसका आधार का पता करेंगे। फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल का शेप मिल रहा है। इसमें हम टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस का प्रयोग करके इसकी हाइट का पता कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेपियर्स बोन्स का निर्माण कर रखा है। इस नेपियर्स बोन्स की मदद से हम बड़े बड़े जो गुणा और भाग की संख्याएँ होती है उनको संपन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 123 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये 5 है इस वाली रो में तो 5 हमारे इकाई का अंक हो जाएगा। फिर इन दोनों का योग करेंगे और वो हमारे दहाई का अंक हो जाएगा। फिर इन दोनों का योग करेंगे वो हमारे सैकड़े का अंक हो जाएगा 615। यानी कि जो हमने गुणा करके जो ये संख्या मिलेगी वही हमने अपनी कैलकुलेशन की मदद से प्राप्त की है। उसके बाद हमने डे ऑफ एनी डेट का एक मॉडल बनाया है। इसकी मदद से हम कई सौ वर्ष पूर्व कौन सी तिथि को कौन सा वार था और कई सौ वर्ष बाद किस तिथि को क्या वार आएगा वो पता करेंगे। उदाहरण के लिए हम ये डेट लेते हैं। इसके लिए हमारे ये मंथ कोड, डे कोड और सेंचुरी कोड है, हमने ये बना रखे हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर मंथ का मंथ कोड लिखेंगे, अक्टूबर का मंथ कोड 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंचुरी कोड लिखेंगे, फिर वो साल लिखेंगे, फिर उस साल के बाद उस साल में कितने लीप ईयर आए उनका पता करके लिखेंगे, फिर उसके बाद इन सब को जोड़ेंगे, फिर उसको 7 से भाग दे देंगे, फिर हमारे पास जो शेष फल मिलेगा वो हमारे पास एक कोड होगा जो हमारा डे कोड होगा। उसके बाद उसको डे कोड से टैली करके हम डे का पता करेंगे। उसके बाद हमने ये ऑक्टेंट बना रखा है, इसकी मदद से हम दर्शाएंगे कि इस अंतरिक्ष में किसी बिंदु की क्या स्थिति होगी। हमने 3 तलों के माध्यम से अंतरिक्ष को 8 भागों में काटा है और इससे हम पता करेंगे कि यह माना कोई प्लेन चल रहा है या कोई बॉल हवा में है तो उसकी स्थिति का पता करेंगे, जिसमें हम इसके निर्देशांक एक्स, वाई और जेड के रूप में हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद हमने इस टूल का निर्माण कर रखा है बैटरी और मोटर की मदद से। इसकी मदद से हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और गणित के प्रति हमारा रुझान बढ़ाता है। इस प्रकार से हम इसको चलाएंगे। इस प्रकार से हमारे एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हमने रॉले की प्रमेय का निरूपण कर रखा है। इस ज्यामिति निरूपण की मदद से हम रॉले की प्रमेय को आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमने मध्यमान प्रमेय का भी ज्यामिति निरूपण कर रखा है। इसकी मदद से हम मध्यमान प्रमेय को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई तर्क शक्ति को बढ़ाने वाले गेमों का निर्माण किया है जो हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाते हैं और गणित के प्रति रुझान बढ़ता है। जैसे स्टेप्स इन फ्रॉग जंप, इसमें हम ये दो फ्रॉग इन दोनों की जगह जाएंगे और ये दो फ्रॉग इनकी जगह स्ट्रेट लाइन होते हुए जाएंगे, जिससे हमारी तर्क शक्ति का निर्माण होगा और इसको हमें मिनिमम 7 स्टेप्स में क्लियर करना है। 7 स्टेप्स में क्लियर जो करेगा वो जीनियस कहलाएगा। इसी के अलावा मैंने 32 स्टूडेंट्स का भी गेम बना रखा है। इसमें हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के ऊपर से होता हुआ जाएगा और ये स्टूडेंट बाहर चला जाएगा। इसको हमें इस प्रकार खेलना है कि लास्ट में हमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बचाने हैं। जो इस प्रकार से खेलेगा वो जीनियस हो जाएगा। इनका उद्देश्य हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसी प्रकार मैंने एक और गेम का निर्माण कर रखा है। इसमें हमारा मिड 0 है, यहाँ से ये पॉजिटिव और यहाँ से ये नेगेटिव जाएगा। इसको हमें लूडो की तरह खेलना है। इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, हमें उसी डायरेक्शन में जाना है। इसकी मदद से हम अपने माइनस प्लस का कन्फ्यूजिंग दूर कर सकते हैं। इसमें मैंने बनाया है डाटा हैंडलिंग कि हम अपने डाटा को कैसे हैंडल करेंगे। हम अपने डाटा को बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट और टैली मार्क्स की मदद से दर्शा सकते हैं, जिससे आम आदमी भी आसानी से डाटा को समझ सकता है। उसके बाद मैंने एक ये मॉडल बनाया है। इसकी मदद से जो हमारे आकृतियाँ होती हैं उनके अंतः कोणों का योग हम पता कर सकते हैं। हमने ये चतुर्भुज बनाया है। यहाँ चांदे की मदद से हम इसका कोण नापेंगे। प्रत्येक जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इनको जोड़ के 360 डिग्री यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
इस प्रकार मैंने प्रत्येक मॉडल को अपनी संक्रियाओं की मदद से दर्शाया है कि किस प्रकार हम संक्रियाओं का प्रदर्शन करके मॉडल को बना सकते हैं। धन्यवाद।